module 27 static and dynamic aspects of demand 2 whenever we make discussion about static and dynamic aspects of the demand length under which there is an adjustment in the demand of the commodity play an important role under static demand in fact time has no role in the determination of demand of the commodity Static demand simply refers to instantaneous adjustment because of price change. If there is some price change, there is an instantaneous adjustment in the quantity demand of the commodity. But there are several reasons due to which instantaneous adjustments do not occur. It might be because of psychological reasons, might be because of technological reasons, and वेन एवर जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल रीजन्स की जी देयर इज अ प्राइस चेंज बट कंज्यूमर इज विलिंग टू एडजस्ट हिज कंजम्पन पैटर्न क्या कंज्यूमर है इज नॉटिंग टू चेंज हिज कंजम्प्शन पैटर्न ही इज नॉट wheat in short run as far as the quantity demand is likely to change because of price change so to observe total effect to observe total change in quantity demand it requires certain time period so if we make discussion about the demand under a long run that that involves certain time period for example वेन एवर देर इज अ चेंज इन प्राइस देर इज अ ग्रेजुअल एडजस्टमेंट इन द क्वांटिटी डिमांड एंड दैट ग्रेजुअल एडजस्टमेंट इन द क्वांटिटी डिमांड इज बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट दैट इन्वॉल्व सर्च कॉस्ट टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल बेरियर टू चेंज जब हम बात करते हैं सर्च कॉस्ट की डिस्पोज सम वन इज यूजिंग टोमैटोज टू गेट सेटिस्फेक्शन सम वन इज परचेजिंग डिफरेंट क्वान्टिटीज ऑफ टोमैटोज अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेज अगर हम बात करें कि जी प्राइस ऑफ टोमैटो चेंजेस देन कंज्यूमर विल ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर प्लेस फ्रॉम वेयर ही गेट ही कैन गेट टोमैटोज एट अ चीपर प्राइस इट इन्वॉल्व अ सर्च कॉस्ट टू फाइंड आउट सम अदर प्लेस टू परचेज टी हम इसको कुछ यूं भी अंडरस्टेंड कर लेते हैं डिमेंड फॉर ऑर्गेनिक एग्स ऑर्गेनिक एग्स हर जगह पर तो अवेलेबल नहीं है लोगों को अब सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा उन्हें सर्च आउट करना पड़ेगा कि कहाँ से वो डिम ऑर्गेनिक एग्स परचेज कर सकते हैं उसको सर्च करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा उन्हें कुछ एफर्ट करना पड़ेगी उन्हें सर्च करना पड़ेगा जब उन्होंने सर्च कर लिया जी ऑर्गेनिक एग्स उस पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल हैं देन उसको परचेज करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा उन्हें वहां पे जाना पड़ेगा जब वो जाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा अगेन उन्हें बियर करने पड़ेगी ट्रेवल कॉस्ट अब इन सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम तो वो क्या करते हैं कि जी प्राइस चेंज हो गई हाँ कुछ वेट कर लेते हैं देखते हैं क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द सर्च कॉस्ट टू परचेज दैट आइटम बिकम्स एक्सपेंसिव तो वो क्या करते हैं जी ठीक है आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट कर लेते हैं हाँ जी क्वांटिटी डिमांड कुछ अभी कम करते हैं कुछ मजीद कम कर लेंगे जब प्राइस इंस क्या जी प्राइस इंक्रीज होती है इमीजिएटली क्या होगा कुछ डिक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांड होगी बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेन दे हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन देन क्या होगा देयर इज

ए, ए, जो, एक कंज्यूमर वीट परचेज कर रहा है अगेंस्ट डिफरेंट पे बल्कि बेहतर है मैं यहां पे फ्रूट हाँ ले लें कंज्यूमर इज गेटिंग सेटिस्फेक्शन बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल इमीजिएटली जी अभी क्या हुआ देयर इज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी होना क्या चाहिए देर शुड बी

कि जी जब कल नॉर्मल प्राइस होगी फिर मैं अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर लूंगा मुझे कितना परचेज करना चाहिए कि जी अंडर शॉर्ट रन द एसोसिएशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज रिलेटिवली लेस सेंसिटिव एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी इन लॉन्ग रन जी प्राइस इंक्रीज हुई क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज आएगा अंडर शॉर्ट रन में भी लेकिन वो डिक्रीज लेस होगा एज कंपेयर टू डिक्रीज इन लॉन्ग रन उसके बैकेंड पे क्या चीजें जी कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट भी है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी है अब उसी पैटर्न पे अगर मैं यहां पे बात करूं एवर यू मेक डिस्कशन अबाउट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ये किसको रेफर करता है इट रेफर अबाउट अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर प्राइस जी अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की कि फ्यूचर में प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी वो अभी क्या करेगा वो अपनी परचेज पोस्टपोन कर देगा हाँ अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में मजीद प्राइसेस बढ़ेंगी अभी वो क्या करेगा ही विल इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी सो एक्सपेक्टेशन क्या है वो एक बड़ा की रोल प्ले करते हैं इन द डिमांड फॉर दमोडिटी एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन डिमांड फॉर कमोडिटी के शॉर्ट रन में क्या होगा रिलेटिवली लेस एडजस्टमेंट और लॉन्ग रन में क्या होगा देयर इज रिलेटिवली लार्जर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन तो नहीं ऑब्जर्व कर सकते लेकिन हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि जी प्राइस क्या होगी कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को मटेरियलाइज तो नहीं कर सकता हाँ जी मैं मटेरियलाइज क्या कर सकता हूँ एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है आज अगर प्राइस फाइव रुपीज है कल क्या हो रही है अगर टेन रुपीज होगी मैं अपनी डिमांड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी आज के दिन इंक्रीज कर दूंगा लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन है कल कुछ प्राइस मजीद डिक्रीज हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा मैं आज की अपनी कंजम्पशन जरा पोस्टपोन कर दूंगा सो लॉन्ग रन में क्या होगा चेंज इन क्वांटिटी इज रिलेटिवली लार्जर एज कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अंडर शॉर्ट रन इस डिमांड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक आपने थ्योरी पढ़ी थी परमानेंट इनकम हाईपोथिस की उस परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के क्या कंपोनेंट थे कि जिसमें एक आप कहते हो परमानेंट और, और दूसरी ट्रांसिट्री इनकम एंड कंजम्पशन डिसीजन मेकिंग कंज्यूमर किस बेस डिसीजन मेकिंग कंज्यूमर करता है ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट इनकम एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन इनकम ऑफ द कंज्यूमर And on the basis of that expected long-run income of the consumer, consumer decides how much he should carry out the expenditure. So, similarly, whenever we make discussion about the demand, expected price is just like permanent income. KG consumption behavior is assumed to depend upon the expected prices.

क्वांटिटी demand जैसे हमने पहले भी बात की कि शॉर्ट रन इफेक्ट रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं जबकि लॉन्ग रन इफेक्ट्स क्या होते हैं वो रिलेटिवली लार्जर होते हैं कि अगर मैं डिमांड कर्व्स के परस्पेक्टिव में बात करूं यूजुअली अंडर शॉर्ट रन डिमांड कर्व्स आर रिलेटिवली स्टीपर लेकिन लॉन्ग रन में क्या होती हैं कि दीस कर्व्स बिकम फ्लैटर कि लॉन्ग रन डिमांड कर्व बेसिकली डिपिक्ट्स टोटल इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड जब हम बात करते हैं एस्टीमेशन ऑफ लॉन्ग रन डिमांड रिलेशन विद मार्केट डेटा यूजुअली इट इज डिफिकल्ट टू एस्टीमेट दिस लॉन्ग रन एसोसिएशन बाय यूजिंग मार्केट डेटा रीजन इसकी क्या है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि टू कीप अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स

फिर इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें कि अगर प्राइस एक कमोडिटी की परसिस्टेंटली हाई हो गई है बिकॉज ऑफ दैट परसिस्टेंट हाई प्राइस उसके क्या होगा कि इट विल क्रिएट इंसेंटिव टू सेंड न्यू सब्सिट्यूट इन मार्केट। और एक परसिस्टेंट अगर लो प्राइस हो जाए किसी भी कमोडिटी की केस में क्या होगा कि सम न्यू देर आर इंसेंटिव फॉर न्यू यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर product so expected prices and consistent increase or decrease in prices of a commodity over a longer period of time results in structural change of the consumption pattern thank you very much